केक बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उनमें ये चार अदद अंडे हैं। ये चार अंडे इनको हम तोड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह ये चार अंडे हो गए। हाफ कप शुगर होगी, फाइन शुगर। अच्छा सा इसको बीट कर लेते हैं। अंडे और शुगर को तब तक हमने बीट करना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए, और ये इस टाइम को 4 मिनट तकरीबन लगते हैं। अंडे और शुगर को इतनी देर करना है कि ये ऑफ वाइट कलर का हो गया और फ्लफी फ्लफी हो गया। मैदा डालना, 1.5 कप मैदा डालना, चम्मच हमने बेकिंग। अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। हाफ कप आपने कुकिंग ऑयल डालना, ये हम हाफ कप देसी घी डाल रहे हैं। दूध आधा कप दूध डाल दिया हमने और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना। ये 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। करते हैं पैन को ग्रीस करते हैं। चले माशाल्लाह इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्दा रंग डाल देते हैं। ये 1 टीस्पून हमने डाला जर्दा रंग। ओवन हमने प्री हीट किया हुआ है 180 पे और इसको हम अंदर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और 15 से 20 मिनट जो है इसको टाइम देते हैं और इस दौरान देख लेते हैं बीच में टूथपिक से कि ये पका है या नहीं पका। देखिए खोलते हैं। माशाल्लाह 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 अल्लाह खैर। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा बन गया। देखिए माशाल्लाह इसको चेक करते हैं और अगर ये सिलाई के साथ ना लगे इसका मतलब है कि ये बन गया। ये हमने ओवन में भी एक दफ़ा चेक कर लिया था। अब इसको ऐसे करके इसको ना हम कर देते हैं उल्टा, उससे ये होता है ये निकल भी जाता है और एयर स्पेस होती है ना इसमें वो भी ख़त्म हो जाती है ऐसे करके। और माशाल्लाह निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सारा निकल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे देखें कितना अच्छा गोल्डन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काटते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने सारे स्लाइस बना लिए। अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट करते हैं। ऊपर से ना गर्म है बहुत ज़्यादा। ये माशाल्लाह इस तरह बनाएं और बच्चों को दें ताकि बच्चे घर में ही खाएं। बाज़ार की चीज़ों से बेहतर है कि घर में बनाएं, बाज़ार के घी से, बाज़ार की दूसरी गंदगी से, गंदे अंडों से, सब चीज़ से बंदा बच जाता। ये भी है बहुत गंदा। माशाल्लाह देखें फ्लफी फ्लफी है। ये देखें और टेस्ट की है, बहुत मज़ेदार है। आप भी बनाएं और खाएं और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला सलामतियाँ दे। अल्लाह ताला दुनिया जहान की नेमतें अता करे। अल्लाह ताला हलाल रिज़क कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हमें भी आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह हाफिज़।